दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी बचे हुए कपड़े में से बच्चे का पजामा कैसे बनाए। तो जो क्लॉथ है इसकी जो लंबाई है वो आपको बताती हूँ कितना। तो ये 21.5 इंच है। तो जो हमारा ये पजामा आएगा वो 19 इंच का लंबाई में तैयार में रहेगा, और जो इसका चौड़ाई है कपड़े की वो 15 इंच। मैंने अभी इसको डबल फोल्ड है, अब इसको फोर फोल्डिंग कर लेते हैं। दोनों पैर हम एक साथ कट करेंगे। तो हमने फोर फोल्डिंग कर लिया है। अभी हम ऊपर से इसका मोहरी लेते हैं यहाँ से। तो जैसे मोहरी मुझे 11 इंच, तो 5.5 इंच आएगा तैयार में। और इसमें हम ज़्यादा नहीं लेते हैं, ओनली 1 इंच में एक्स्ट्रा लेना है। तो ये तुम्हारा मोहरी का हो गया। और जो ये ऊपर है यहाँ पर हम आसन लेंगे, तो आसन रखेंगे 11 इंच। जब हम तैयार में रखेंगे तो ये 10 इंच आएगा, क्योंकि 1 इंच हमारा नेफा में चला जाएगा फोल्डिंग में। तो इस तरह से ले लिया है। हम यहाँ पे हल्की सी गुलाई करेंगे, ज्यादा गुलाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा साइज के अनुसार ये बराबर है। तो ये हम कट कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको भी कट कर लेते हैं। और उसके बाद इसको इस तरह से आप ड्राफ्ट कर लें। सिलाई हमारी ये साइड रहेगी, ये एक्स्ट्रा। कट के तैयार किया कमर में ये जॉइंट है, इसको भी हम कट कर देंगे। अभी जो हमारा ये बचा हुआ कमरा है इसमें से हम यहाँ पे म्यानी लगाएंगे, जिससे कि बच्चे को बैठने में इजी रहेगा। तो म्यानी के लिए आपको जो बचा हुआ कपड़ा है हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, और इसको अभी से फोर फोल्डिंग कर लेते हैं। और आप कितना भी इसको लंबा कर सकते हैं, आप चाहे छोटा भी रख सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको क्रॉस में रखना है। यहाँ पर हल्की से इस शेप की गुलाई दे देंगे, तो जो म्यानी आएगी वो इस तरह से दिखेगी। अभी आपको स्टिच करना बताते हैं। अभी जो ये दो पीस है इसको एक को हटा देते हैं और एक को भी तैयार करते हैं। तो जो हमने ये म्यानी कट की है, तो जो हमने यहाँ पे आसन कट किया है, यहाँ से आप इसको इस तरह से स्टिच डालें। तो म्यानी को नीचे रख लें, जिससे कि आपको इजी रहेगा लगाना। सेम दूसरा साइड लगा ले। मैंने दोनों साइड में लगा दिए एक पीस में। अभी दूसरा पीस हम, जैसे ये सीधा है, दूसरा पीस हम उल्टा रखेंगे और ऊपर से स्टिच डालते हुए म्यानी तक स्टिच डाल देंगे इस तरह से। सेम दूसरा साइड भी इस तरह स्टिच कर लेंगे। मैंने दोनों साइड जॉइंट कर लिए, तो ये इस तरह से आएगा पजामा हमारा। अभी हम नेफा बनाते हैं। हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, हम थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम 1/2 इंच के आसपास नेफा तैयार रखेंगे। स्टार्टिंग में 1/2 इंच हम छोड़ देंगे, जिससे कि जो लास्टिक डालेंगे उसके लिए प्लेस रहेगा। अभी मैंने नेफा भी तैयार कर दिया। अभी जो नीचे हम तैयार करेंगे मोहरी, तो मोहरी हम लास्ट में तैयार करेंगे। पहले हम इसकी फिटिंग दे देते हैं, जो कि हमने एक्स्ट्रा लिया। अभी जो ये एक्स्ट्रा है हमको थोड़ा सा ही रखना है, क्योंकि हमारा ऊपर कम है, तो यहाँ पे भी कम ही रखेंगे। अभी मोहरी तैयार करेंगे।
इसको भी हम ज़्यादा फोल्ड नहीं करें, हाफ इंच ही फोल्ड करेंगे। मैंने दोनों पैरों की मोहरी तैयार कर ली है, अभी हम इसमें इलास्टिक डालते हैं। मैंने साइज के अनुसार हाफ इंच चौड़ी इलास्टिक ले ली है और ये पिन में डाल दिया, और मैंने यहाँ पे ओपन छोड़ा था तो इसके अंदर से हम इलास्टिक डाल देते हैं। अभी इसको हम यहाँ पर लॉक कर देते हैं प्लास्टिक को, इसको मैंने इसके अंदर डाल देते हैं, और जो हमने ये ओपन छोड़ा था अब यहाँ पर स्टिच डाल देते हैं। पजामा बनकर तैयार है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं म्यानी लगा के, जिससे कि बच्चा बैठेगा तो फ्री रहेगा, और ऊपर आप इस तरह की प्लास्टिक डाल के इस तरह का पजामा बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।